20 साल के आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहने के बावजूद पुलिस के हिस्ट्री शीट बंद नहीं करने और व्यक्तिगत रजिस्टर में नाम नहीं हटाने को राजस्थान हाईकोर्ट ने गलत मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने में जस्टिस अनिल उपमन ने झुंझुनू एसपी के 19 सितंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रशासन उसका नाम हिस्ट्री शीट, व्यक्तिगत रजिस्टर, सर्विलांस रजिस्टर और वेबसाइट से हटाए। इस संबंध में महेंद्र कुमार ने याचिका में कहा कि व्यक्ति के हिस्ट्री शीट खोलने के लिए उसे कम से कम 3 मामलों में लगातार दोषी सिद्ध किया जाना जरूरी है। वो 5 में से 3 मामलों में बरी हो चुका है और 2 में परिवीक्षा का लाभ मिला है। वो 2004 से सादगी से जीवन जी रहा है। जयपुर पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और सिपाही की हत्या से जुड़ा मामला हाईकोर्ट ने 5 अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा स्थगित की है। हाईकोर्ट ने अभियुक्त दिनेश कुमार आचार्य, ओम प्रकाश रामपाल, इसके अलावा अनुज रेसपाल, आमिर खान की सजा को स्थगित कर जमानत पर रिहा करने के आदेश। साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी सहित जगदीप की सजा निलंबन के प्रार्थना पत्रों को खारिज किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार आचार्य सहित अन्य की आपराधिक अपीलों पर आदेश दिए गए। एडवोकेट राजेश गोस्वामी और कपिल गुप्ता सहित आदर्श सिंगल ने पैर दिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने WRD और PHED की सचिवालय में समीक्षा बैठक ली और अंतर विभागीय प्रकरण, इसरदा दौसा जल आपूर्ति प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने PHED की तैयार परियोजनाओं को लागू करने के लिए आचार संहिता हटने का इंतजार किए बिना चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर राजकीय कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रोजेक्ट की उचित मॉनिटरिंग करने और हर स्तर पर कार्य पूरे करने की तय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव के निर्देशन के बाद ज्यादा से ज्यादा राजकीय कार्य ई फाइल के माध्यम से हो, साथ ही औसत निस्तारण समय ज्यादा होने पर विभाग के सक्षम अधिकारी उचित कार्रवाई करें। बाड़मेर के पचपदरा को रिफाइनरी मिलने के बाद कुछ साल में वाटरवे की सौगात भी मिल सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट पर निर्भर राजस्थान वाटरवे के माध्यम से निर्यात करेगा और कार्गो के जरिए अपनी पहचान बनाएगा। राजस्थान से कुछ समय बाद 2.5 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट वाटरवे के माध्यम से होगा। ये सुगत तस्वीर मजालाल सरकार में ही दिखाई दे सकती है। 2 माह पूर्व कोलकाता में हुई नेशनल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की बैठक में राजस्थान में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ कदम बढ़े और अब नदी परिवहन कमेटी का गठन किया गया है। वाटरवे को लेकर भजनलाल सरकार में 4 बैठक हो चुकी है। सभी बैठक राजस्थान से बाहर हुई और बैठकों में कई राज्यों को शामिल किया गया ताकि काम की गति को बढ़ाया जा सके। उधर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी से मिले निर्देशों के बाद WRD ने उद्योग विभाग से भी जानकारी मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के निर्देश के बाद नदी परिवहन कमेटी का गठन होने के बाद उम्मीद है कि राजस्थान वाटरवे प्रोजेक्ट को गति से आगे बढ़ाए। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह आज 95 साल के हो चुके हैं। इस दौरान उनके जन्मदिन पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, साथ ही विधायक जगत सिंह, भरतपुर राज परिवार के सदस्य कुंवर दीपराज सिंह, बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह फौजदार सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ओडिशा दौरे पर रहे। इस दौरान कई स्थानों पर बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। अपने प्रवास के दौरान भुवनेश्वर, संबलपुर सहित कई जिलों का दौरा करके बिरला ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद किया और मिशन फॉर नेशन कार्यक्रमों को संबोधित किया। बिरला ने कहा कि देश की तरक्की और खासकर आर्थिक विकास में राजस्थान के प्रवासियों का उल्लेखनीय योगदान है। ओडिशा की तरक्की में भी प्रवासी समाज के प्रयासों की झलक साफ देखी जा सकती है। बिरला ने इस दौरान देश को आगे ले जाने की दिशा में केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। देश का हर नौजवान अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाए, ये दिशा देने का काम किया है।
तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने 10 साल के अंदर भारत को नई सामर्थ्य बनाने का काम किया है, भारत को नई शक्ति देने का काम किया है, नए विजन से भारत को आगे ले जाने का काम किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया। बारां सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 लुटेरी दुल्हने और 2 दलालों को गिरफ्तार किया। सीआई छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में एएसपी राजेश चौधरी और सीओ ओमेंद्र सिंह शेखावत के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीआई मीणा ने बताया कि एसकेजी फैक्ट्री के पास से लुटेरी दुल्हनों और दलाल को घटना करने से पहले ही धर दबोच लिया गया। ये चारों महिलाएं महाराष्ट्र नासिक निवासी वैशाली पालविक, अनुसुईया वंदना यादव और हीरा संदीप पगारे हैं। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। ये स्थानीय लोगों से संपर्क कर कुआरे विदुर व्यक्तियों को अपना निशाना बनाती हैं। ऐसे युवकों से झूठा व्यवहार रचाकर शादी के 3-4 दिन बाद ही सोने चांदी के जेवरात और रुपये लेकर फरार हो जाते हैं। उक्त महिलाओं और स्थानीय एजेंट से गहनता से पूछताछ जारी है। आज जरिए मुखबिर इतला मिली कि 4 महाराष्ट्र की युवतियां व 2 दलाल एसकेजी फैक्ट्री के पास एक होटल पर बैठे हुए हैं तथा युवतियों को किसी को शादी का झांसा देकर शादी कराने की बातें कर रहे हैं। ये लोग किसी कुंवारे या विदुर व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हैं तथा कुछ दिन शादी के बाद ये महिलाएं रहती हैं और बाद में वहाँ से जेवर व नकदी लेकर फरार हो जाती है। ऐसी घटना होने से पूर्व ही आज सदर पुलिस ने 6-2 दलाल व 4 युवतियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। चुरू के सहावा थाना पुलिस ने डीएसपी मीनाक्षी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनडीपीएस मामले में कार्रवाई करते हुए सहावा थाना अधिकारी अलका बिश्नोई ने नाकाबंदी के दौरान कंटेनर से 17 क्विंटल 11 किलो डोडा पोस्त जब्त किया, जिसकी कीमत बाजार में करीब 2,71,00,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल वाहन कंटेनर को भी पुलिस ने जब्त किया। डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ से पंजाब कपड़े के धागे की आड़ में तस्कर तस्करी कर रहे थे। वहीं गिरफ्तार एक आरोपी एमपी निवासी है, दूसरा आरोपी यूपी निवासी है। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 15 दिवसीय अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत श्रीमान महानिरीक्षक महोदय, श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही थी। इसमें हम वृत्त क्षेत्र पे जगह जगह नाकाबंदी करवा रहे थे। इसी नाकाबंदी के दौरान नोहर साहवा रोड पे जब नाकाबंदी की जा रही थी, उस तकरीबन एक जो ट्रक को चेक किया गया, तो चेकिंग के दौरान संदिग्ध लगा, तो उस दरमियान उसमें ऊपर धागा भरा हुआ था, तकरीबन कुछ पेटियों में धागा, और उसके नीचे अवैध डोडा पोस्त पदार्थ भरा हुआ था, जिसका वेट तकरीबन 17 क्विंटल 11 किलो है और जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो है 2,72,00,000 रुपये। जोधपुर शहर की मुख्य सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम उत्तर की तरफ से शुरू किया गया अभियान लगातार जारी है। नगर निगम उत्तर की तरफ से पावटा से लेकर मंडोर तक अतिक्रमण हटाने का बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। दुकानों के बाहर से फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि पिछले करीब 2 महीने से नगर निगम उत्तर मुख्य सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा। इसी कड़ी में अधीक्षण अभियंता भरत टेपण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुहाना खानम और अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश बारसा की टीम ने पावटा से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान महामंदिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होते हुए मंडोर तक चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 1 डंपर और 2 ट्रैक्टर सामान को जब्त किया गया। अतिक्रमण टीम ने दुकानों के बाहर रखे सामान, गन्ने के जूस की मशीन, कुर्सी टेबल सहित अन्य सामान को जब्त करने की कार्रवाई की। जैसलमेर के भणियाना थाना क्षेत्र के उचपदरा गांव में एक स्थानीय पत्रकार पर हुए हमले के मामले में एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पत्रकार पर हमला जेल में बैठे एक शख्स के इशारे पर किसी ने किया है। इस संबंध में एक आरोपी को पकड़ा है और उससे अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में जेल में बैठे एक अपराधी की खबर चलाए जाने के बाद
हमला करवाए जाने के पत्रकार ने आरोप लगाए। एसपी सुधीर चौधरी ने पत्रकार पर हुए हमले के आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 12 मई की शाम को एक पत्रकार को 4 अज्ञात आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्रकार को मृत समझकर आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं पत्रकार का एसडीएम अस्पताल में उपचार जारी है। स्थानीय पत्रकार पर हमले के विरोध में पत्रकार संगठनों ने रोष जताया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पिछली कई रातों से लगातार पुलिस दबिश दे रही है। संदिग्ध जो लोग हैं सभी को डिटेन कर लिया है, सबसे पूछताछ की जा रही है। जेल में जो पोटेंशियल अक्यूज था उससे पूछताछ की गई, उससे कुछ इनपुट मिले। पुलिस इस मैटर को लेकर गंभीर है और पत्रकार क्योंकि एक लोकतंत्र का स्तंभ है, उनके ऊपर हमला होना काफ़ी गंभीर चीज़ है। इसको पर्सनली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की घटना कोई नहीं होगी और इसमें जो इस केस के अंदर जो अक्यूज है उसको हम केस ऑफिसर में लेकर के उनको सख्त से सजा कोर्ट से दिलवाएं। खाटू श्याम जी कस्बे के वार्ड 10 में डेरों की धाणी में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 25 वर्षीय विक्रम पुत्र केदारमल वर्मा की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन और भीम सेना ने प्रदर्शन किया तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने पर सहमति बन गई, लेकिन देर शाम होने के कारण अब पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा। वहीं भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शव नहीं लेंगे। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर में बीती देर रात को आसमान से पकड़े गए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई। पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर भागे बदमाश ने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इनामी बदमाश पर गोली चलाई। इसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वो जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल विद्याधर नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया श्री माधोपुर थाने का हिस्ट्री शीटर राकेश यादव है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी वसूलने, जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट सहित 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले साल जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए राकेश यादव और उसकी गैंग ने फायरिंग की थी। इसमें ज्वेलर का बेटा गोली लगने से जख्मी हो गया था। जब इसकी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया तो हमारे मुकदमे मिलाकर इसके खिलाफ 23 मुकदमे पेंडिंग हैं और काफ़ी जगह ये वांछित है, पूर्व में भी वांछित है और नीम का थाना जिला का ये एक्टिव हिस्ट्री शीटर है और हर मुकदमों में इसके आर्म्स एक्ट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, जान से मारना, जान के मारने का प्रयास करना, इस तरह के कई मुकदमे इसके खिलाफ पेंडिंग चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अनूपगढ़ के रावला से खबर है। SP रमेश मौर्या के दिशा निर्देशन में रावला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और रावला पुलिस ने 5 दिन पूर्व हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। 5 PhD के पास नहर किनारे सेना के बंकर में मिला था युवक का शव और पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करना एक चैलेंज था। FSL और जिला साइबर टीम और रावला पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया गया है। ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में अभी तक 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। दोनों आरोपी रविंद्र कुमार और अमित कुमार 15 KD रावला के रहने वाले बताए गए। अभी 2 और आरोपियों के होने की भी जानकारी मिली है। SP रमेश मौर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रावला थाने में जानकारी दी। ये जो रावला पुलिस में 302 का जो प्रकरण दर्ज हुआ था 11/5 को जो एक युवक की हत्या हुई थी उसके संबंध में खुलासा करते हुए रावला पुलिस ने 2 अभियुक्तों को आज अरेस्ट किया। उसमें से जो एक अभियुक्त है रविंदर, वो पूर्व में एक अन्य मुकदमे में जिसमें 304B में दर्ज हुआ था उसका परिवादी भी है, तो आज हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का बहुत अच्छा शौक रहा, बहुत ही भारी दिनों में रात दिन नहीं सोए हमारे को, जो घर तो पूरा नहीं हो सकता और इससे हमारी जो संतुष्टि है पुलिस ने बहुत अच्छा शौक रहा।